खबर यूपी के जनपद चंदौली से है। आपको बता दें कि 1955 में बनाया गया चंद्रप्रभा बांध पानी के संकट से जूझ रहा है। आसपास के लोगों का कहना है कि निर्माण के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब इस बांध का सूखा हो कारण स्लूज गेट से होने वाला पानी का रिसाव इस बार मानसून में अच्छी बारिश होने के कारण जल स्तर 756 फीट था, जो कि न्यूनतम 727 फीट से ज्यादा था। जबकि गेट से होने वाले रोज 50 क्यूसेक रिसाव के कारण पानी पूरी तरह से नदी में चला गया, जिसके कारण गेहूं की सिंचाई भी प्रभावित रही। किसानों को निजी नलकूप का सहारा लेना पड़ा। बताया ये जा रहा है कि सिंचाई के लिए गेट खोलने के बाद टेढ़ा हो गया, बहुत कोशिश के बाद भी ठीक नहीं हो पाया, जिसके कारण रिसाव होता रहा और पानी नदी में चला गया। वही नतीजा ये है कि बांध पूरी तरह से सूख चुका है, जिससे किसानों के सिंचाई और साथ साथ वन्य जीवों के लिए पीने के पानी का भी संकट आ गया है। और यह संकट लगातार बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी अप्रैल का ही महीना है, गर्मी आने वाली मई और जून में भी मानसून आने तक पड़ेगी। वहीं पानी न होने के कारण पानी के लिए जंगली जानवरों के रिहायशी इलाकों में पहुंचने की आशंका है, जिससे आसपास के लोगों में भय व्याप्त है। जी, ऐसा तो हम लोगों के नॉलेज में अभी कभी नहीं हुआ था, और बुजुर्ग भी बताते थे कि अभी डैम में मतलब सिंचाई इससे पानी भले नहीं था, लेकिन तब पानी डैम में हमेशा बरकरार रहता था। लेकिन इस बार सिंचाई विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के लापरवाही की वजह से सर पूरा पानी निकल गया, और किसानों को गेहूं की सिंचाई करने में इतना परेशानी हुआ कि वही किसान बेचारा जानता हो। वेटलैंड में है चंद्रप्रभा डैम, फिर भी पानी सूखा। ये एरिया वेटलैंड है, मतलब ऐसा भूभाग जो कि पानी से आंशिक या पूर्ण रूप से डूबा हो, जो कि प्रदूषण मुक्त होता है। इसका पानी वन्य जीवों और पेड़ पौधों के लिए भी उपयोगी होता है। वही डीएम ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, कार्रवाई की जाएगी। ये संज्ञान में आया है और इसीलिए इसका एक एस्टिमेट बना के विधिवत रूप से ऊपर हम लोगों ने शासन को प्रेषित किया है। शासन में कार्रवाई भी चल रही है, बहुत जल्द हम लोगों को उसका अप्रूवल और पैसा भी मिल जाएगा, और जैसे ही धनराशि प्राप्त होगी, अप्रूवल मिल जाएगा, हम लोग उसका टेंडर करा के काम भी पूर्ण करा देंगे। देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो रिजर्वायर जो है, जैसा आप बता रहे हैं कि वो पूरा सूख गया एक तरीके से, तो उसके लिए वन विभाग के साथ मिलके हम लोगों ने जगह जगह पर व्यवस्था की है, ताकि जो हमारे वाइल्ड लाइफ है उसको कोई परेशानी ना हो। जहाँ तक हमारे गांव हैं जहाँ पर यहाँ से पानी लोग स्रोत करते थे जिसका, वहाँ पर भी हम लोगों ने अल्टरनेट अरेंजमेंट गाँव आर करी है, उसकी भी कई सारी मीटिंग्स हमने करी है। और इसके अलावा डाउनस्ट्रीम नदी में पानी है जगह जगह पर, जहाँ पर जो लोग उसके माध्यम से सिंचाई करते थे या किसी प्रकार से पानी का यूज कर सकते थे, तो वो अभी किया जा रहा है लोगों द्वारा। चंदौली से जनमत न्यूज के लिए उमेश सिंह की रिपोर्ट।